हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे या डिस्कस करेंगे कि उन्हें करा कैसे जाता है। तो सबसे पहले इस सीरीज में आज हमने लिया है यूपी टेट 2017 मैथ्स सॉल्व पेपर। इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इसका उद्देश्य ये नहीं है कि इस सवाल का उत्तर बी, इस सवाल का उत्तर सी। लास्ट ईयर के पेपर आपके पास भी है और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट मोमेंट में कि रविवार को आपका पेपर है, तो उससे पहले अगर आप गणित में ये समझते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम अच्छे या ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें? ठीक है, तो इन सब की चर्चा करते हुए हम सवाल को हल करेंगे। मैं आपको सवाल दो तरीके से बताऊंगा, एक बेसिक जो हम करते हैं, आप करते हैं, सब जानते हैं इस तरीके से वो, ताकि आपका क्वेश्चंस के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़े। और एक तरीका क्या किसी और सोच के आधार पे, क्या ऑप्शंस के थ्रू सही उत्तर टिक किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब चर्चा के साथ हम सीरीज को शुरू करते हैं। ये जो आपका सेशन है ये दो भाषा में होगा, हिंदी और अंग्रेजी। सवाल मैं हिंदी में लिखूंगा और उसको अंग्रेजी में भी पढ़ूंगा, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इस पूरे सीरीज का लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज से। ठीक है, यूपी टेट 2017 का पेपर। चलिए, पहला सवाल है, किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या है। आपके चार विकल्प दिए गए हैं, 16, 35, 43 और 23। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इन अ टू डिजिट नंबर इज 6। व्हेन 9 इज एडेड टू द गिवन नंबर इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, फाइंड द नंबर। योर ऑप्शंस इज 16, 35, 43 एंड 23। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं बेसिक से, जो हम जानते हैं आप जानते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? माना माना इकाई का अंक वायु, दहाई का अंक एक्स। कोई भी अगर दो अंकीय संख्या है तो उसमें दो ही अंक होंगे, एक दाई ओर से इकाई का अंक होगा और उसके बगल वाला दाई दहाई का अंक होगा। जैसे कोई भी एक है, मान लीजिए वह संख्या अगर 35 है तो यह उसका इकाई का अंक होगा और ये यहां पर दहाई का अंक होगा। तो आपके प्रश्न में कह रहा है कि इस दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है और यही उसके दो अंक हैं, तो प्रश्नानुसार इसका जो गुणनफल है एक्स वाई वो बराबर 6 के दिया हुआ है। तो यहां पर हमें एक समीकरण ये प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि जब इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो संख्या के जो अंक है वो बदल जाते हैं। इसका मतलब कोई भी अगर संख्या है, अब इस बात को समझिएगा, जैसे कि 35 एक दो अंकीय संख्या है, इसके दहाई का अंक 3 है और इकाई का अंक 5 है, लेकिन अंक 3 और 5 से अगर मुझे संख्या 35 लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? दहाई का मतलब हमेशा उसका स्थानीय मान 10 होता है, इसका मतलब दहाई के अंक पे जो स्थान होता है उसका स्थानीय मान 3 × 10 ये होता है 30, और इकाई के अंक का स्थानीय मान स्वयं वह अंक होता है, 5 × 1 हम लिखते हैं तो 5 आता है। तो 30 + 5 हमें क्या मिल जाती है? अंकों से प्राप्त कर लेते हैं हम संख्या। ठीक, तो इसका यह मतलब है कि दो अंकीय संख्या को जब भी हम लिखते हैं तो दहाई के अंक को 10 से गुणा करके 10 × x + इकाई का अंक, यह वह संख्या है। और इस संख्या में जब हम 9 जोड़ देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसके अंक बदल जाते हैं। इसका मतलब पहले इकाई के अंक पे वाई था और दहाई के अंक पे एक्स था, तो अब इकाई के अंक पर एक्स होगा और दहाई के अंक पर वाई होगा। इसका मतलब 10y + x। तो पक्षांतर कर दीजिए, वाई को वाई के पास भेज दीजिए और एक्स को एक्स के पास, तो 10x वहां से प्लस का एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 10 में 1 गए 9x, और 10y इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहां बचेगा माइनस का 9y और बराबर प्लस का 9 उधर चला जाएगा माइनस का 9। यहां से 9 उभयनिष्ठ है तो इसे हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बचा x माइनस वाई बराबर माइनस का 9। 9 से 9 हम काट सकते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1।
ये हमारे पास एक दूसरा समीकरण आ गया। तो आपने देखा कि प्रश्न में दिए गए आंकड़ों के आधार पर हमने इतना हल कर लिया है। अब हमारे पास दो समीकरण है और दो चर है, इसका मतलब ये हल किया जा सकता है। आपने बचपन में एक सूत्र पढ़ा होगा कि x प्लस वाई का वर्ग बराबर x माइनस वाई का वर्ग, माइनस है तो यहां पर प्लस, प्लस और एक्स वाई। यहां पर दिए गए मान आप रख दीजिए, x माइनस वाई का मान माइनस एक का वर्ग प्लस चार गुणे एक्स वाई का मान छह, तो माइनस एक का वर्ग एक और चार गुणे छह चौबीस, इसका मान आ गया चौबीस और एक पच्चीस। ठीक, तो यहां से x प्लस वाई का वर्ग आ गया 25, तो यहां से अगर मैं x प्लस वाई का मान निकालूं तो वर्ग का पक्षांतर होता है वर्गमूल, तो ये करणी में 25 आ जाएगा जो कि 5 आ जाएगा। तो हमारे पास एक मान ये भी आ गया कि x प्लस वाई बराबर 5। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपने समझा होगा। तो आपने यहां पर इतना देख लिया, मैं यहां पर मिटा देता हूं ताकि जगह नहीं है। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को आप रिपीट करके बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अब आप इस बात को समझते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 और एक समीकरण था x माइनस वाई बराबर माइनस एक। ये समीकरण दो था, सॉरी ये समीकरण दो था और एक नया समीकरण ये मिला था, इसे हम कहते हैं तीन। तो समीकरण दो और तीन को अगर मैं जोड़ दूं, दो और तीन को जोड़ने पर जब आप समीकरण को जोड़ते हो तो बायां पक्ष के साथ जुड़ जाता है और दायां पक्ष दायां पक्ष के साथ जुड़ जाता है। तो बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ जोड़ दीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ जोड़ दीजिए। तो आप देखिए y से y कट गया, x प्लस एक्स दो एक्स और बराबर पांच, प्लस का अंदर माइनस में गुणा होगा तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, और एक गुणे एक एक, तो दो एक्स बराबर पांच में एक है चार, तो एक्स का मान क्या आ गया चार बटे में दो, दो से काटूंगा चार को दो बार, तो एक्स का मान आ गया दो। जब एक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, एक्स का मान समीकरण तीन में रखने पर समीकरण तीन कहता है कि x प्लस वाई बराबर पांच है और x का मान मेरे पास दो है, तो दो प्लस वाई बराबर पांच। तो अब y बराबर दो को पक्षांतर कर दीजिए, प्लस का दो उधर जाके माइनस का दो हो जाएगा, तो y बराबर पांच में दो गए तीन। तो यहां से हमारे पास x बराबर दो आ गया, y बराबर तीन आ गया। तो हमारी संख्या क्या थी, हमने संख्या मानी थी 10x प्लस वाई, तो 10 x का मान 2 है तो 10 गुणे 2 प्लस y का मान 3, तो 10 दुनी 20 और 20 में 3 जोड़ेंगे तो संख्या क्या मिलेगी 23। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि जो विद्यार्थी इस प्रश्न को इस प्रकार नहीं समझ पाता या नहीं कर पाता है तो क्या कोई और तरीका है जिससे वो सही उत्तर प्राप्त कर सके, है ना? तो बिल्कुल हाँ है। आप इस बात को याद रखिएगा, जब भी संख्या पर आधारित प्रश्न आते हैं कि दो अंक की संख्या या एक संख्या का तीन गुना एक संख्या का चार गुना, जैसे मैंने यहाँ पर दो सवाल लिखे हुए हैं, इन सवालों को हमेशा विकल्प से करना ही सावधानी होती है। मतलब आप विकल्प से कर इनको कम समय में आप हल कर सकते हो। जैसे ये उनके लिए भी है जो इस प्रकार से करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, मतलब उन्हें मैथ्स अच्छी लगती है, तो वो इस प्रकार से ना करके ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, तो कीमती समय भी बचेगा और जो इतना आपने हल किया है किसी कैलकुलेशन से ही सवाल अगर बीच में गलत आंसर दे देता है या हल नहीं हो पाता है तो आपका कॉन्फिडेंस और भी गिर जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि इस सवाल का जो उत्तर आया वो था 23। आइए अब दूसरे तरीके देखते हैं, सीधे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। कह रहे हैं किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, तो ये दो अंकी जो संख्या है ऑप्शन में, जैसे पहला विकल्प है 16, एक और 6, इन दोनों का गुणनफल कितना है 6, मतलब ये उत्तर हो सकता है। दूसरा विकल्प है 35,
अंक कितने हैं? 3 और 5। 5 में 3 का गुणा करूंगा कितना रहेगा? 15। इसका मतलब ये विकल्प नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर अंकों का गुणनफल 15 आ रहा है, यहां पे 43 है, अंकों का गुणनफल कितना है? 4 तिया 12। लेकिन प्रश्न में गुणनफल 6 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। यहां पर 2 तिया 6, इसका मतलब ये विकल्प हो सकता है। कहने का मतलब है केवल एक आंकड़े के आधार पर कि संख्या में अंकों का गुणनफल 6 है, हमने 2 विकल्प हटा दिए, अब बचे 2। आगे सवाल कह रहा है कि संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो मैं यहां पर 16 में 9 जोड़ के देखता हूं, 16 में अगर 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 25। क्या स्थान बदल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यह भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता है। अब एकमात्र विकल्प बचा है 23, जो कि सही उत्तर होगा। इस बात की पुष्टि आप इसे हल करके देख सकते हैं। 23 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो संख्या क्या प्राप्त होगी? 32। तो इसका मतलब जो संख्या के अंक 2-3 थे वो परिवर्तित हो गए और कितने हो गए? 3-2। इसका मतलब यही सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए अब हम इसी आधार पर दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है? चलिए दूसरा सवाल। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या का 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या हैं? एक तरीका तो वही है जो हम करते हैं। आप मान लीजिए छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y और समीकरण बताइए और हल कर दीजिए। एक दूसरा तरीका है कि संख्या पे आधारित सवालों को विकल्प से करना जल्दी हो जाता है और सही उत्तर ही आता है हमेशा। जैसे आइए विकल्प से देखते हैं। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूं 43 और 8, तो बड़ी संख्या का 2 गुना, तो बड़ी संख्या का 2 गुना 43 बड़ी संख्या है, 43 में 2 से गुणा करेंगे 86 आएगा। बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, छोटी संख्या क्या है? 8, इसके 5 गुना मतलब 8 × 5 = 40। इसे कह रहा है 3 ज्यादा है, लेकिन आप देख रहे हैं 86 है 40, कितना ज्यादा है? 46 ज्यादा है, लेकिन सवाल में तो कह रहा है कि 5 ज्यादा है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन हमने डिलीट कर दिया, ये अब नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन बी 14 और 5, कह रहा है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, छोटी संख्या के 5 गुना, छोटी संख्या 5 है, 5 का 5 गुना 25, तो बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है, और प्रश्न में यही कहा जा रहा है, इसका मतलब ये एक विकल्प हो सकता है। आगे सवाल क्या कह रहा है? और बड़ी संख्या का 4 गुना, अगर ये सही उत्तर है तो इसे हम आगे भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुना 14 में 4 का गुणा करेंगे 14 चौके 56, और छोटी संख्या के 3 गुने, और छोटी संख्या का 3 गुना 5 तिहाई 15। बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुना का योग 71 है। तो यहां हम देखते हैं 56 में 15 को आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 71। इसका मतलब सवाल में दिए गए सारे आंकड़ों को ये संतुष्ट कर रहा है ऑप्शन बी, इसका मतलब हमारा उत्तर यही होगा, फिर हम आगे क्यों विकल्प को चेक करें। तो इसका मतलब इस सवाल का सही उत्तर क्या है? 14 और 5। ठीक है, एक तरीका तो ये था, एक तरीका बेसिक से था जो मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये काफी लंबा होता चला जाएगा और काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं केवल आपको एक हिंट देता हूं, आप हल स्वयं करिएगा, ठीक है? चलिए इस सवाल को कैसे करते हैं। माना माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। तो पहला आंकड़ा कह रहा है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, अगर बड़ी संख्या x है तो x का 2 गुना 2x हो जाएगा, बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या वाई है तो वाई का 5 गुना 5 वाई, बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। इसका मतलब अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 ज्यादा है, इसका मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या से 3 कम है, इसका यह भी मतलब है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, तो बड़ी संख्या बड़ी है छोटी संख्या से कितना? 3। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 3।
अब दूसरा कह रहा है कि बड़ी संख्या का चार गुना, बड़ी संख्या x है, x का चार गुना 4x, और छोटी संख्या के तीन गुने का योग, छोटी संख्या y है उसके तीन गुने का योग कितना है 71। तो इस प्रकार हमने दो समीकरण बना लिए। अब हम जानते हैं कि दो समीकरण हैं और दो यहां पर चर हैं, इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर इन समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें यहां पर मिल जाएगा x और y का मान, ठीक, x और y का मान। तो इसे आप निश्चित रूप से हल कीजिएगा। अगर आपको हल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे वीडियो में बाद में बता सकते हैं, तो इस पे भी हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आइए, आइए हम अगला सवाल लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? इंग्लिश में, एवरी डिजिट इन एनी नेचुरल नंबर इज ईदर 3 और 4। दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 एंड 4 बोथ। फाइंड सच टाइप ऑफ लीस्ट नंबर। योर ऑप्शन 3 3 3, 4 4 4, 4 4 एंड 4 टाइम्स 4। ठीक, ये सवाल है। आप ये बात जानते होंगे कि जो संख्या 3 से विभाजित होती है और 4 से विभाजित होती है वो 3 गुणे 4 मतलब 12 से विभाजित होती है, ठीक है। आप इनके ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। 3 से विभाजन नियम कहता है कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, और 4 का विभाजन नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो 3 3 6 3 9, ये संख्या 3 से विभाजित है लेकिन अंतिम 2 अंक में क्या है 33, वो 4 से विभाजित नहीं है। और यहां पे आपको कह रहा है कि यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में अगर हम जाएं तो यहां पर 444 लिखा हुआ है, अंतिम जो 2 अंक है 44 वो 4 से विभाजित है, और पूरी संख्या 4 4 8 4 12, संख्या के अंकों का योग है 12 जो कि 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये एक उत्तर हो सकता है, लेकिन ये उत्तर तब तक नहीं होगा जब तक इससे छोटी कोई संख्या ना मिल जाए, क्योंकि आपके प्रश्न में कह रहा है ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, इससे भी छोटी संख्या ये बची हुई है, इससे बड़ी ये संख्या है तो ये तो अब उत्तर नहीं हो सकता है। केवल 44 को आप चेक कर लीजिए, अगर 44 उत्तर हुआ तो उत्तर हम 44 के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है, अगर वो नहीं हुआ तो उत्तर हमें प्राप्त हो चुका है। 44 आप देखते हैं कि अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा, लेकिन 44 को जब मैं 3 से विभाजित करूंगा तो 4 4 8, संख्या के अंकों का योग है 8, और 8 को अगर मैं 3 से विभाजित करूंगा तो नहीं कटेगा, इसका मतलब 44 भी 4 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। तो एकमात्र यहाँ पर विकल्प बचता है 444 जो कि हमारा सही उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। कह रहा है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज रिस्पेक्टिवली 12 एंड 72। इफ सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 60, फाइंड वन ऑफ द सच नंबर। योर ऑप्शंस 12 24 60 एंड 72। आइए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं ये देखते हैं। आप बताइए, यहां बता रहा है यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है, मतलब जो दो संख्याएं हैं उनका योगफल 60 है, तो आप मुझे बताइए यदि दो संख्याओं का योगफल 60 है तो क्या एक संख्या 72 हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर एक संख्या 72 हो गई तो दूसरी संख्या ऋणात्मक होगी और फिर उसका एचसीएफ 12 नहीं आ पाएगा, इसका मतलब दूसरी संख्या 72 नहीं हो सकती।
अगर दो संख्याओं का योगफल 60 है तो एक संख्या 7 नहीं हो सकती है। अगर एक संख्या 60 हो गई तो दूसरी संख्या क्या होगी? शून्य। और 60 और शून्य का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं 12 और 24। किसी भी एक ऑप्शन को लेकर हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए बी, सही उत्तर बी है 24। तो अगर एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोनों संख्याओं का योगफल 60 है, इसका मतलब दूसरी संख्या होगी 60 में पहली संख्या 24 को मैं घटा देता हूं तो कितना मिलेगा? 36। तो दोनों संख्या हमारे पास 24 और 36 आ गई। हम निकाल लेते हैं कि इनका महत्तम समापवर्तक 12 और लघुत्तम समापवर्तक 72 आना चाहिए। आइए तो इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, मतलब लासा, एलसीएम 24 और 36 का लासा। दो से काटते हैं, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो एकम दो, दो अट्ठे 16। फिर दो से काटते हैं, दो छंग 12, दो नवा 18। अब दो से नहीं कटेगा, तीन से काटते हैं, तीन दुनी 6, तीन त्रिका 9। अब दो से काटते हैं, दो एकम दो, तीन नहीं कटेगा, तीन को उतार लेते हैं। अब तीन से काटते हैं तो तीन एकम 3। जब यहां पर भागफल 1-1 बच जाए तो यहां पर जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनका गुणनफल या उनका लासा होता है। तो आप देख रहे लासा कितना आ रहा है, 2 × 4 = 12 × 24 = 72। इसका मतलब लासा हमें कितना मिल गया? 72। और सवाल में यही कहा गया था। महत्तम समापवर्तक को हम चेक कर लेते हैं। एक संख्या अगर 24 है और दूसरी 36 है तो इनका मासा HCF क्या होगा? दो से काटते हैं, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो एकम दो, दो अट्ठे 16। फिर दो से काटते हैं, दो छंग 12, दो नवा 18। अब तीन से काटते हैं, तीन दुनी 6, तीन त्रिका 9। अब इसके आगे ऐसा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो दो और तीन को एक साथ काटते हैं। इसका मतलब जब यहाँ पर कोई भी ऐसा अभाज्य गुणनखंड ना मिले जो सारी संख्याओं को एक साथ काट सकता है तो उस स्थिति में यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वही उनका मासा होता है। मतलब 2 × 2 × 3 कितना आ गया? 2 × 2 = 12। आप यहां से इस बात को समझ सकते हैं कि लासा और मासा में क्या अंतर है। लासा में यहां पर भागफल मुझे 1-1 बनाने हैं। जैसे यहां तक 3 × 6 तीन त्रिका 9 कटा था, अब यहां पर ऐसा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा, दो और तीन को एक साथ काटते तो मैंने अलग अलग काटा। दो से पहले दो को काट दिया, तीन नहीं कटा, तीन को उतार दिया, फिर तीन को तीन से काट दिया। जब यहां पर इस स्थिति में भागफल पूरे 1-1 आ जाए तो यहां पर जितने अभाज्य गुणनखंड बनते हैं उन सबका गुणनफल उनका लासा होता है। और मासा का मतलब है जब यहां पर जो अभाज्य गुणनखंड है वो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभाजित करे, है ना, यहां पर सारी संख्याओं को, तब तक हम भाग देते हैं। जैसे यहां पे देख रहे हैं 2 और 3 आ गया। अब 2 और 3 को काटने वाली कोई भी एक संख्या नहीं है तो इसका मतलब इस स्थिति में यहां पर जो अभाज्य गुणनखंड है वही इनका मासा होगा। तो आपने देखा मासा 12 आ गया, लासा 72, यही प्रश्न में दिया हुआ है। इसका मतलब यही क्या होगा हमारा आंसर 24। आइए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हम एक तरह से और करके देखते हैं। जैसे इस सवाल को अगर आपको बेसिक से करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। माना संख्याएं, जब भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया होता है तो महत्तम समापवर्तक के आधार पर ही संख्याएं मानी जाती हैं। जैसे सवाल में दिया हुआ है कि महत्तम समापवर्तक 12 है तो मैं माना संख्याएं 12x और 12y, दो संख्याएं, दो संख्याओं को मैंने 12x और 12y मान लिया, जहां जहां xy अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, जहां एक्स वाई अभाज्य गुणनखंड है या अभाज्य संख्या है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप देख रहे हैं कि 12x और 12y में 12 दोनों में ही उभयनिष्ठ है, इसका मतलब यही इसका मासा होगा। लेकिन अगर एक्स वाई का कोई ऐसा मान आता है जिसमें एक्स वाई में भी कुछ उभयनिष्ठ आ जाएगा तो 12 के साथ गुणा करके मासा बदल जाएगा और प्रश्न की गरिमा भंग हो जाएगी। इसीलिए हम इस बात की गारंटी देखते हैं कि अगर मासा के आधार पर हमने संख्याएं मानी हैं 12x और 12y, तो यहां पर x और y में कुछ भी उभयनिष्ठ ना आए,
एक्स और वाई में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आएगा तो उस स्थिति में सदैव मासा 12 बन के रहेगा। तो इसीलिए हम ये पूरी बात लिखते हैं कि माना संख्याएं 12x और 12y, जहां x y अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब x और y में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो उस स्थिति में दोनों ही संख्याओं में सदैव 12 उभयनिष्ठ होगा और इनका मासा 12 बना होगा। ठीक, चलिए, तो आगे कह रहा है कि इन संख्याओं का लासा 72 है। 12x और 12y का लासा क्या होगा? लासा का मतलब है जो उभयनिष्ठ है वो लिख लीजिए। उभयनिष्ठ क्या है? 12, तो 12 आ गया। जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी आ जाता है। x और y में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो उन सारे चीजों को मैंने उठा लिया। 12xy इनका लासा है और यही प्रश्न अनुसार कितना दिया हुआ है? 72। तो xy का मान कितना आ गया? 72/12, 12×6=72। xy का मान आ गया 6। तो यहां पर आपने देखा कि आपके पास एक्स वाई बराबर 6। तो आपके पास दो समीकरण है, एक है एक्स वाई बराबर 6 और आप जानते हैं दोनों संख्याओं का योगफल आपको 60 दिया गया था। अगर यहां से आप 12 उभयनिष्ठ ले लें तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 है ना। इसके आगे मैं लिखता हूं, 12 से कट गया, 12×5=60, तो यहां से एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 5। तो आपके पास दो समीकरण आ गए, x plus y बराबर 5, x y बराबर 6। इसे आप हल कर सकते हैं जैसा मैंने पहला सवाल किया था। आपको ये सूत्र अब याद हो गया होगा, x minus y का whole square is equal to x plus y का whole square, यहाँ plus तो यहाँ minus 4xy। आप जानते हैं x plus y कितना है? 5, तो 5 का वर्ग minus 4/xy का मान है 6। 5 का वर्ग 25 minus 6×6=24, तो 25 में 24 गए 1। तो x minus y का मान आ गया, ये वर्ग है, वर्ग का पक्षांतर है वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1। तो अब x minus y बराबर 1 और x plus y बराबर 5, दोनों समीकरण को हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने पर बायां पक्ष के साथ जुड़ता है, तो y से y कट गया, x में x जुड़ गया, 2x बराबर 5 और 1 6। तो x का मान कितना हो गया? 6/2। 6 को 2 से काटा, 3 बार में कट गया, तो x का मान आ गया 3। x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x plus y बराबर 5 था, x का मान 3 हम रख देते हैं, तो plus y बराबर 5, तो y का मान क्या हो जाएगा? 5, plus का 3 इधर आके minus का 3 हो जाएगा, तो y बराबर 2। तो आपने देखा कि x बराबर 3, y बराबर 2, तो संख्याएं क्या थी? 12x और 12y, तो 12×x का मान है 3, तो 12×3=36, और y का मान क्या है? 2, 12×2=24। तो संख्याएं भी हमने प्राप्त कर ली 36 और 24, और निश्चित रूप से इससे हम विकल्प की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सवाल को किस तरीके से करते हैं। इसलिए ऑप्शंस को एकदम निग्लेक्ट ना करें, पहले ऑप्शन से करने का प्रयास करें। अगर ऑप्शन से आप नहीं कर पाते हैं तो ये बेसिक तो आपके पास है ही, इसे आप हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 7+2√10 का वर्गमूल क्या है? 7+2√10, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 7+2√10। ऑप्शंस आपके ये हैं। अब देखिए, एक सवाल तो ये कि अगर आपको करणी पे आधारित वर्गमूल, करणी पे आधारित वर्गमूल निकालने आता है तो ठीक है, आप निकाल लेंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा, आप टिक करेंगे, आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर करणी पे आधारित वर्गमूल आपको समझ में नहीं आता है या आपने आज से पहले इसको कभी समझा नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे मैं कहूंगी 25 का वर्गमूल बताओ, तो आप 25 का वर्गमूल करोगे, 25 का वर्गमूल आप जानते हो कितना आ गया? 5। तो 25 का वर्गमूल क्या 5 आया, इसका मतलब 5 का वर्ग करने पर आपको 25 मिलेगा। जैसे मैं कहूँ 144 का वर्गमूल बताओ, तो आपने करणी लगा दिया, 144 का वर्गमूल 12, इसका ये भी मतलब है कि 12 का वर्ग क्या है? 144 है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर करणी पर आधारित वर्गमूल आप निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दिए गए विकल्प का वर्ग कर लीजिए। वर्ग करना वर्गमूल से आसान होता है, और जो ऑप्शन इसको मैच कर दे वो आपका उत्तर होगा।
और उसमें भी ध्यान देना है, जैसे जब भी आप a प्लस बी का वर्ग करोगे तो क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। यहां पर जो दोनों आपके पद हैं उनका गुणनफल यहां पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब ये गुणा होगा करणी में 6 का 1 का, तो यहां पे क्या बन रहा है, करणी में 6, करणी में 3 का 2 में होगा तो क्या मिलेगा, 2 करणी में 3, करणी में 2 करणी 5 का होगा तो करणी में 10। आपने ये पढ़ा होगा करणी में x गुणे करणी में y बराबर करणी के अंदर x y आ जाता है, ये घातांक में आपने पढ़ा होगा। तो 2 पंचे 10 और यहां पर अगर गुणा करेंगे 2 करणी में 5। आप मुझे बताइए पूर्णांक से करणी का गुणनफल होने पे ये तो आगे हल होंगे नहीं, इसका मतलब a प्लस b का जो भी होल स्क्वायर आप करेंगे उसमें ये पद जरूर आएंगे। और आप देख रहे हैं कि आपके दिए गए प्रश्न में करणी में 10 पड़ा हुआ है, तो करणी में 10 केवल यहां मिल रहा है, इसका मतलब यही सवाल का सही उत्तर होगा। तो इसका मतलब आपको a प्लस b का होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इतना अगर आप सोच सकते हैं तो आप एक सही उत्तर 2 या 3 सेकेंड में पा सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य कि हम आपको पूरा समझाएं, तो आइए, तो एक तो है कि आप ऑप्शन का वर्ग लीजिए, पहला रूट 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा है a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने देखा करणी में 6 का वर्ग करेंगे करणी हट जाएगी, प्लस 1 का वर्ग 1, यहां पर 2, 2 एक कम 2, 2 गुणे रूट 6, रूट 6, 6 और 1 7 प्लस 2 करणी में 6, यह आ गया, आना चाहिए था ये, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार आप आगे जाएंगे तो ऑप्शन सी को लेंगे, करणी में 2 प्लस करणी में 5, इसका वर्ग करेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणे a b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। करणी में 2 का, करणी का जब वर्ग होता है तो करणी हट जाती है 2, करणी 5 का वर्ग 5 प्लस 2, करणी में 2 करणी 5 से गुणा होगा तो 2 पंचे 10, करणी में 2 5 2 7 प्लस 2 करणी में 10। तो आपने देखा इसी का वर्गमूल हमसे पूछ रहा था और इसी का ऑप्शन सी का वर्ग करने पे हमें ये संख्या मिल गई, इसका मतलब निश्चित रूप से हमारा यही उत्तर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ऑप्शंस सॉरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ और भी चीज़ पूछने हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम आगे जो भी सेशन होगा उस पर हम छोटी सी वीडियो उस पर भी बना लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं कि मैं आपको ऑप्शन से गुमराह करूं, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए 7 प्लस 2 रूट 10 इसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। कोई भी करणी का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तभी हल हो सकती है। आप मुझे बताइए करणी के अंदर अगर a पड़ा हुआ है ना, जैसे आप कहते हैं कि 4 का वर्गमूल तो आप बता लेते हो कितना, 2, क्योंकि ये चीज आपको पता है, कभी आपने इसे रटा नहीं, क्यों, क्योंकि 4 वर्ग के रूप में 2 का वर्ग, इसका मतलब है कि 2 गुणे 2। करणी के अंदर जब किसी भी व्यंजक के जोड़े बनते हैं तो जोड़ा फ्री हो जाता है और वो करणी से बाहर निकल जाता है। जैसे 144 का वर्गमूल, 144 क्या है, 12 का वर्ग, और 12 का वर्ग मतलब 12 गुणे 12, तो 12 के दो जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब एक 12 बाहर निकल जाएगा। लेकिन करणी में इस संख्या, ये संख्या पूर्ण वर्ग में है या नहीं है, इस बात की गारंटी कौन देगा, इसका मतलब इसे हमें पूर्ण वर्ग के रूप में दिखाना होगा। तो पूर्ण वर्ग के रूप में दिखाना होगा तो एक ही प्रकार है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में मिल जाए, है ना। आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों ही कंडीशन में ये 2ab जरूर आता है। अगर किसी तरीके से मैं व्यंजक को 2 गुणे ab के पैटर्न में लिख लूं तो यहां से मुझे ए भी मिलेगा और यहां से मुझे बी भी मिलेगा, और ए और बी का वर्ग करके जोड़ूंगा तो पूरा का पूरा होल स्क्वायर मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जहां पर 2 का गुणनखंड दिया हो आप उसी को चेक करते हैं। जैसे यहां पर आप 2 करणी में 10 को, आप 2 गुणे करणी में 10 को तोड़ेंगे तो करणी में 2 गुणे करणी में 5, केवल एक ही ऑप्शन से आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। आप बताइए करणी में 2 का अगर वर्ग करेंगे
मान लो यही आपका a है और यही b है, तभी 2ab बनेगा। a का वर्ग करेंगे तो ये आएगा और b का वर्ग करेंगे तो ये आएगा। करणी में 2 का मतलब 2, करणी 5 का मतलब 5 का वर्ग मतलब 5। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, इसे आप जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 7, और 7 ही यहां पर दिया हुआ है। इसका मतलब a और b यहां पर दिए हुए हैं और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहां पर दिए हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पैटर्न बैठ जा रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, a और b है तो करणी में 2 प्लस करणी में 5 का वर्ग। अब करणी के अंदर जो संख्या है, जो व्यंजक है, उसको हमने पूर्ण वर्ग के रूप में दिखा दिया है, तो ये स्वतंत्र हो जाएगी, बाहर क्या जाएगा, करणी में 2 प्लस करणी में 5। और यही सवाल का सही उत्तर था। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312। योर ऑप्शन इज 682 एंड 4। ठीक है, आप ये बात जानते होंगे, आप अंतिम पड़ाव में है, आपका एग्जाम है रविवार को, तो आप ये जानते होंगे किसी भी व्यंजक को यदि गुणनफल के रूप में दिया गया है तो उस व्यंजक को पूरा ना गुणा करके उसके केवल अंतिम अंक को गुणा करके जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही निश्चित रूप से पूरे व्यंजक का अंतिम अंक होगा। कहने का मतलब है कि यहां पर आपको केवल 8 लेना है, यहां पर केवल 6 लेना है, यहां पर केवल 9 और यहां पर 2। यार और छोटे शब्दों में मैं कहूं, कभी भी यदि व्यंजक गुणनफल के रूप में दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इकाई का अंक बताइए, तो आप पूरे व्यंजक को हल ना करके व्यंजक में प्रत्येक पद के अंतिम अंक को ही गुणनफल करिए। उस प्रकार प्राप्त जो संख्या होगी उस संख्या का जो अंतिम अंक आएगा वही व्यंजक का अंतिम अंक माना जाएगा केवल। या जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो जहां पर 2 अंक बने उसको आप इकाई का अंक ही केवल लें। जैसे आप जैसे ही 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 दुनी 18, 8 बचा, फिर 8 में आप 6 से गुणा कर रहे हैं, 8 छंग 48, 8 बचा, फिर 8 में आप 8 से गुणा करेंगे कितना 64। इसका मतलब अंतिम अंक में लास्ट में कितना बचा है 4। तो इसका सही उत्तर कितना होगा डी 4। आप कहीं से भी ले लीजिए, जैसे कि आप 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312। मान लीजिए आपने यहां से हल कर दिया, 9 छंग 54, केवल 4 बचा, 4 मन क्या यहां गुणा कर दिया, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, फिर 2 से ये बचा था 2 दुनी 4। तो आपने देखा अंतिम जो आपने हल किया और अंतिम जो संख्या प्राप्त हुई वो 4 थी, इसका मतलब एक अंक में है अंतिम अंक क्या होगा 4। तो इस प्रकार 4 हमारा उत्तर है। ठीक है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 इंच है, दोनों कोण होंगे। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? कोटि पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनमें दो कोणों का योग 90 अंश होता है। तो यहां पर दिए हैं दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 इंच है, दोनों कोण क्या होंगे। ऐसे प्रश्नों को भी आप भली भांति ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे यहां पर पहला ऑप्शन है 70 110, इन दोनों कोणों का अंतर तो 40 अंश है लेकिन योग कितना है 110 और 70, 180 अंश हो जा रहे हैं, और दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। इसका मतलब ये आंकड़े को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। 65 और 35, 65 और 35 का मैं अंतर अगर देखूं तो 30 का है और जोड़ने पर इन्हें कितना मिल रहा है 100, तो ये भी नहीं होगा। 70 और 30, इन दोनों कोणों का अंतर तो 40 है लेकिन इनका योग कितना है 100, और कोटि पूरक कोण कहा गया है इसका मतलब दोनों कोणों का जो अंतर है, दोनों कोणों का जो योग है वो 90 अंश होगा, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा। तो अब एकमात्र विकल्प बचा है और यही हमारा उत्तर होगा, लेकिन इसे भी चेक करना जरूरी है। 25 और 65 का अगर मैं अंतर देखूं तो 40 है और 65 और 25 को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 90। इसका मतलब प्रश्न में दिए गए दोनों कोण कोटि पूरक हैं, तो दोनों कोणों को अगर मैंने जोड़ा 65 25 तो 90 अंश मिल रहा है, और कोटि पूरक कोण का सम हमेशा 90 होता है,
और दोनों कोणों का अंतर कितना है 40, जो कि प्रश्न में दिया गया है। इसका मतलब यही हमारा उत्तर है। आइए अब ये सवाल, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। ये आपके विकल्प है। एक तरीका है आप जो करते हैं, हम जो करते हैं, और एक तरीका हो रहा है जो हम करना चाहते हैं। ठीक, पहले से हम देखते हैं बेसिक से, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 36 है, तो वही है कि मान लेते हैं एक संख्या एक्स है और दूसरी संख्या वाई है। दो संख्याओं का अंतर है 5, इसका मतलब प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 5 और उनका गुणनफल है 36, x y बराबर 36। अगर यहां से हम x को y से घटा के 5 दिखा रहे हैं, इसका मतलब x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है, तो मैं कहता हूं बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, x माइनस वाई बराबर 5। अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया है, x प्लस वाई का वर्ग बराबर x माइनस वाई का वर्ग, यहां माइनस तो यहां पर प्लस, प्लस 4 गुणे एक्स वाई। एक्स माइनस वाई का मान है 5, 5 का वर्ग प्लस 4 गुणे एक्स वाई का मान 36। तो यहां से 5 का वर्ग आ गया 25 और 4 छंग 24, 4 तीन 12, 2 144 से 25 जोड़ूंगा 169 आ जाएगा। तो x प्लस वाई का वर्ग 169 है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 169 का वर्गमूल जो कि आ जाएगा 13। तो यहां से हमें मिल गया x प्लस वाई बराबर 13। अब हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण एक समीकरण दो, इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, x और एक और दो को जोड़ने पर, है ना, एक और दो को जोड़ने पर, तो बाएं पक्ष के साथ जुड़ जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और वहां पर दाएं पक्ष के साथ जुड़ जाएगा 5 प्लस 18, y से y कट जाएगा, x में x जोड़ूंगा 2x, 13 5 18, तो x का मान क्या आ गया 18 बटे में 2 जो कि आया 9, तो x का मान आ गया 9। अगर x का मान मैं समीकरण 2 में रख दूं तो यहां पर क्या कह रहा है, x प्लस y बराबर 13, तो x का मान 9 है, तो वहां से y का मान निकल जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 13, प्लस का 9 आधा के माइनस हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 13 में 9 है 4, तो x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 4, तो सवाल भी कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है, इनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर, एक संख्या बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो आप इनका व्युत्क्रम, 4 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/4, 9 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/9, इनका अंतर हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर जैसे ही मैं 9 और 4 का लासा लूंगा 36 आएगा, 4 से 36 से भाग दूंगा 9 बार, 9 एक कम 9, और 9 से 36 में भाग दूंगा 5 बार जाएगा, सॉरी 9 से भाग दूंगा 36 में 4 बार जाएगा, 4 एक कम 4, तो 9 में 4 गए 5 नीचे 36, तो यही हमारा उत्तर होगा 5/36। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, हम छोटा भी कर सकते थे, हम बिल्कुल कर सकते थे, ध्यान से देखिएगा, इतना ना करके हम इस सवाल को यहीं पे हल कर सकते थे। जैसे एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो प्रश्न अनुसार हमें x माइनस वाई और एक्स वाई बराबर 36 ये दिया हुआ है, इनके व्युत्क्रम का हमें चाहिए, मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है वो है 1/x और 1/y का अंतर, जो संख्या है उनके व्युत्क्रम का अंतर, इसे ही अगर आप थोड़ा हल कर लेंगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर x और y का लासम एक्स वाई, एक्स से एक्स वाई में भाग दूंगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा ऊपर गुणा होगा वाई आएगा, वाई से वाई कट जाएगा एक्स बचेगा एक्स से ऊपर गुणा होगा एक्स आएगा, इसका मतलब वाई माइनस एक्स और नीचे एक्स वाई, अगर मैं यहाँ पे माइनस को ओवरलिस्ट कर लूं तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई नीचे एक्स वाई, तो एक्स माइनस वाई आपके पास 5 है और एक्स वाई आपके पास 36 है, तो जवाब क्या आ गया माइनस 5/36। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर वहां पे 5/36 आया था, यहाँ पे माइनस 5/36 है, इसीलिए आपके विकल्प में एक ही विकल्प है 5/36, माइनस का 5/36 नहीं है, क्यों,
क्योंकि आपसे पूछा गया था कि व्युत्क्रमों का अंतर क्या है, अंतर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसका मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना था। निश्चित रूप से ये संख्या बड़ी थी और उसका व्युत्क्रम जब किया तो छोटी संख्या हो गई, तो हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा दिया, इसलिए माइनस आया। तो जब अंतर मांग रहा है तो माइनस को अवॉइड कर देंगे, हमारा उत्तर क्या है 5/36। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपने निकाला था ये बड़ी संख्या 9 थी, छोटी संख्या 4 थी, जब आप व्युत्क्रम करोगे तो 1/9 हो जाएगा, 1/4। तो इस बात का ध्यान रखें, पूर्णांक में जो संख्या बड़ी होती है व्युत्क्रम उसका करेंगे तो वो छोटी हो जाती थी, जैसे 9 4 से बड़ा है, लेकिन जब हमने व्युत्क्रम किया तो 1/9 हो गया, तो 1/9 छोटा होगा, 1/4 बड़ा होगा। 9 4 से बड़ा है और जब हमने व्युत्क्रम कर लिया तो 1/4 1/9 से बड़ी हो जाएगी। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आइए, अब इसको क्या और कोई तरीका है, तो बिल्कुल और भी तरीका है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जा रही है, आप इस बात को समझिएगा कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट, जैसे कि कोई सवाल आपके पास नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप केवल तुक्का मार देते हैं। मैं चाहता हूं कि सोच समझ के ऐसा तुक्का मारें कि आप 10 पे मारें तो 10 के 10 सवाल आपके सही हो, ठीक। इसलिए पहली बार समझाने पे ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, बाद में हम जब हम आपको और आप मुझे समझ जाएंगे तब वीडियो हम छोटी करते चलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न में कह रहा था, शॉर्टिक में लिख रहा हूं, लेकिन शॉर्टिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, जितना आपका कॉमन सेंस है उतना जरूरी है। कह रहा दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 36 है। आप मुझे बताइए, अगर दो संख्याएं, मान लिया एक संख्या x थी दूसरी y थी, इनका गुणनफल 36 है, इसका मतलब x और y 36 के गुणनखंड होंगे, है ना, 36 के गुणनखंड होंगे, 36 दो संख्याओं को गुणा करने पर 36 मिल रहा है, इसका मतलब x और y 36 के गुणनखंड होंगे, है ना, 36 के गुणनखंड होंगे। तो हम 36 के गुणनखंड तोड़ लेते हैं भाई। 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? एक गुणनखंड है जिससे संख्या पूर्णता विभाजित होती है, एक 36 काटता है, दो भी काटता है, तीन भी काटता है, चार भी काटता है, छह भी काटता है, नौ भी काटता है, 12 भी काटता है, 18 भी काटता है और 36 भी काटता है। मैंने 36 के गुणनखंड लिख दिए। कह रहा है कि ये जो दो संख्याएं हैं इनका जो अंतर है वो 5 है, तो यहां से मैं ऐसे दो गुणनखंड चुन लेता हूं जिसका अंतर 5 हो रहा है। तो आप कुछ देर इसको देखेंगे तो आप देखेंगे 9 और एक 4, 9 और 4 ऐसे 36 के दो गुणनखंड हैं जिनका अंतर 5 है और उनका गुणनफल 36 है, और क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो आपसे ये पूछा था कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, तो आप व्युत्क्रम का अंतर आप निकाल लीजिए। आप ये बात जान गए कि 9 बड़ा है और 4 छोटा है, तो व्युत्क्रम में 1/4 बड़ा होगा और 1/9 छोटा होगा, इनका हमने अंतर निकाल लिया। 9 और 4 का लासा 36, 4 से भाग दिया 36 में 9 बार, 9 एकम 9, 9 से 36 में भाग दिया 4 बार, 4 एकम 4, इनका अंतर 9 में 4 गया 5/36। तो आप इस तरह से भी इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है, खंभे की पूरी लंबाई क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 21 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 12 मीटर। क्या है, ठीक, तो ये आपका सवाल है। इस प्रकार के सवालों को भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि एक खंभा है जिसका 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, इसका मतलब खंभे की जो लंबाई होगी, जब उसका 4/7 भाग मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर खंभे की जो भी लंबाई होगी वो 7 से पूरी कट रही होगी, क्योंकि 7 से अगर पूरा कट रहा होगा तभी एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा होगा, और उस पूर्णांक जो धसा हुआ है उसको 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो पाया था कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। इसका मतलब पूर्णांक से पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब 1/3 भाग भी जब निकल रहा होगा तो 3 से भी यहां पर खंभे की जो लंबाई बची है वो कट रही होगी। इसका मतलब 7 से और 3 से कट रही होगी, और 7 और 3 तो जो कट जाए वो 21 से भी कटेगा। इसका मतलब जो खंभे की लंबाई होगी वो 21 से जरूर कट रही होगी, और आप अगर ऑप्शन देखते हैं तो 21 से मात्र एक ही ऑप्शन कट रहा है, ना तो ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है,
तो आप कह सकते हैं कि आपका यही उत्तर होगा। ठीक, मैं ये कहना चाहता हूं कि लास्ट में अगर आपके पास वक्त नहीं है और आपको तुक्का ही मारना एकमात्र विकल्प है तो आप उस सोच समझ के तुक्का मारिए, आपका निश्चित रूप से यूपी टेट के लेवल पर ये उत्तर एकदम सही होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि एकदम सही तरीका है, ये 100% शुद्ध नहीं है, इसमें कई मिलावटें भी हैं, मतलब ये हर तरह से सवाल को सही नहीं कर सकता है, लेकिन यूपी टेट पे जो भी सवाल आपको मिलेंगे क्योंकि वो पूरी तरह से इस प्रकार हो सकते हैं। ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ कि खंभे की जो भी लंबाई है जब उसका 4/7 निकल रहा है, इसका मतलब 7 से कट रहा है तभी पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, उस पूर्णांक को जब मैं 1/3 से काट रहा हूँ तो 3 से कट रहा है तभी एक पूर्णांक बच रहा है, और पूर्णांक से पूर्णांक को घटाया तो एक पूर्णांक 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है, तो खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी? तो इस प्रकार जो 7 से कट जाए, जो 3 से कट जाए, ऐसा खंभे की लंबाई होगी। तो 7 और 3 से कटने वाला 7 × 3 21 से भी कटेगा, और 21 से कटने वाला ऑप्शन ही इस सवाल का सही उत्तर होगा, और 21 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो निश्चित रूप से यही उत्तर होगा। आइए, अगर इसे करना भी हो तो हम कैसे करेंगे इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, मेरा मानना है, जैसे कि आप मानते हैं कि माना खंभे की लंबाई x, तो मैं चाहता हूं आप x ना माने। x मानेंगे तो जब x का 4/7 भाग निकालेंगे तो क्या होगा, x का 4/7 भाग मतलब x गुणे 4/7 मतलब 4x/7। इस प्रकार x मानने के बाद भिन्न बनेगी, और भिन्न से भिन्नों का योग, भिन्नों से भिन्नों का अंतर, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें ही उलझ जाते हैं। इनका एकमात्र उपाय है कि आपको एक ऐसा मान मानिए जिसमें भिन्न ना बने, एक पूर्णांक बने। वो कैसे संभव है? तो जब भी आप कोई भिन्न के प्रकार के प्रश्न हो, कभी भी भिन्न मिलती है प्रश्न में, तो जो भी भिन्न के हर हैं उनका आप लासा ले लीजिए। यहाँ भिन्न के हर में 7 है, यहाँ भिन्न के हर में 3 है, तो 7 और 3 का लासा, जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो संख्याओं में तो उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है, तो 7 3 21 तो लासा आ गया 21। तो मैंने माना खंभे की लंबाई 21x। अब आप देखेंगे कितनी आसानी से आपके सवाल हो जाएंगे। माना खंभे की लंबाई 21x, कह रहा है खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, तो कीचड़ में कितना धंसा है, कीचड़ में धंसा 21x खंभे की लंबाई है इसका 4/7, 7 से 3 कटा, 7 × 21 4 × 12x, खंभे की लंबाई थी 21x और कीचड़ में धसा है 12x, और कह रहा है जब धसे हुए का 1/3 बार बाहर खींचा जाता है, कीचड़ में धसा है 12x, तो बाहर खींचा गया जो धसा था उसका 1/3, 12x का 1/3 आपने कहा 3 × 4 = 12 कितना आ गया 4x, कीचड़ में धसा था 12x, बाहर खींचा गया 4x, तो अभी भी फंसा कितना, 12x धसा था 4x निकल गया है, तो बचा कितना 8x। और आपको यही आपके प्रश्न में कह रहा है कि पाया है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में फंसा है, तो प्रश्नानुसार आप कह सकते हैं कि जो हमारा 8x फंसा हुआ है वही 8 मीटर प्रश्न में दिया हुआ है, 8 से 8 कट गया तो x बराबर क्या आ गया 1 मीटर, तो खंभे की लंबाई क्या है, तो खंभे की लंबाई 21x थी, 21 × 1 मतलब 21 मीटर। तो इस प्रकार से भी आपने आसानी से इस सवाल का उत्तर दे दिया। तो हमने क्या देखा कि यदि एक प्रश्न में एक या एक से अधिक भिन्न हैं, तो उन भिन्नों के हरों का लासा जो भी आता है वही माना x के रूप में हम मानते हैं, इससे आपके प्रश्न में कभी भी भिन्न नहीं बनेगी और सवाल एक पूर्णांक के तौर पर मौखिक होता जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैंने इसे छोटे रूप में लिखा हुआ है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर इस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। सवाल को मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पढ़ना भूल गया,
तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। अगला सेशन जो भी होगा उसमें मैं पूरा ध्यान रखूंगा और पूरे सवालों को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने के बाद ही उसे हल करूंगा, ठीक है। याद हम शुरुआत करते हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज एंड बी एंड सी टुगेदर फिनिश इट इन 15 डेज एंड सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क इन 20 डेज। फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल फिनिश द सेम वर्क। योर ऑप्शंस 10, 20, 30 एंड 40। आप मुझे बताइए, इस सवाल को करना तो सब जानते हैं, है ना, लेकिन आप मुझे बताइए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। अगर ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ए और बी, अगर ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में करते हैं तो ए अगर अकेला करेगा तो 12 दिन से अधिक लेगा कि कम लेगा? निश्चित रूप से अधिक लेगा। तो 12 से जो भी आएगा ए का वो ज्यादा आएगा 12 प्लस में, इसका मतलब 10 कभी हमारा जवाब नहीं हो सकता। नीचे एक और देखिए, सी और ए मिलकर इस काम को 20 दिन में पूरा करता है। सी और ए मिलकर इस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, इसका मतलब ए अगर अकेले करेगा तो निश्चित रूप से 20 प्लस दिन लेगा। 20 प्लस दिन लेगा, इसका मतलब 20 भी सवाल का जवाब नहीं हो सकता। अब यहां पर 30 है और 40 है, इन दोनों को मैं किसी भी आधार से हटा नहीं पा रहा हूं। लेकिन आप सोचिए कि इतना सोचने पर आपने दो ऑप्शंस हटा दिए, तो मैं कहता हूं कि ऑप्शंस की अपनी एक महत्व है, उनको आप बनाए रखिए और उसको भी साथ में लेके चलिए। जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी पढ़िए, ठीक है। तो हमने दो ऑप्शन हटा दिए, अब दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, इन दो ऑप्शन को कैसे हम सॉल्व करेंगे हम बोलते हैं। आइए चलिए, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, आइए। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। आप सब जानते हैं, जो नहीं जानता है वो सुने कि समय और कार्य के प्रश्नों में सभी समय को एक तरफ लिख लेते हैं और उनका हम लासा ले लेते हैं, 12, 15 और 20 का लासा। लासा 12, 15 और 20 का लासा लेंगे तो आएगा 60। यहां पे जो आता है, इसी 60 को मैं पूरा काम मान लेता हूं, मानता हूं 60 इकाई ही मेरा क्या है, माना पूरा काम। अब प्रश्न बदल जाता है कि ए और बी 12 दिन में पूरा काम करते हैं, अब पूरा काम मैंने क्या माना है, 60 इकाई। तो अगर 12 दिन में 60 इकाई करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 60 बटे में 12, मतलब 5 इकाई। अगर बी और सी मिलकर 15 दिन लेते हैं पूरा काम 60 इकाई करते हैं तो एक दिन में कम काम करेंगे, कम के लिए भाग, 60 बटे में 15, मतलब 4 इकाई। सी और ए 20 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 60 बटे में 20, मतलब 3 इकाई। तो हमारे पास ए बी सी जो मिलकर काम कर रहे हैं इनके एक दिन का काम आ गया, और एक दिन में काम जो किया जाता है वही उनकी कार्य कुशलता होती है, कार्य क्षमता होती है। अब हमें पूछ रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आप मुझे बताइए, ए अकेले पूरा काम करेगा इसका मतलब कितना करेगा, 60 इकाई। ए अकेले एक दिन में कितना करता है, कितना इकाई काम एक दिन में करता है, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा मैं ये नहीं बता सकता हूं कि 60 इकाई करने में ए को कितना समय लगेगा। जैसे मैं आपको 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, कितने समय में करूंगा आप नहीं बता पाओगे, लेकिन जब मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक दिन में 5 क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप बता दोगे सर एक दिन में 5 क्वेश्चंस कराते हैं, तो 100 क्वेश्चंस को कराने में सर को 5-5 करते हुए 5 × 20 100 सवाल, मतलब 20 दिन में सर 100 सवाल करा देंगे, है ना। इसका मतलब जब तक किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम नहीं पता चलेगा तब तक वो पूरा काम कितने समय में पूरा करेगा ये हम नहीं बता सकते। इसका मतलब जब एक दिन का काम कार्य क्षमता या कार्य कुशलता किसी की पता चलेगी तभी समय भी पता चलेगा। तो इस स्थिति में यहाँ ए और बी दोनों की कार्य कुशलता है, बी और सी दोनों की कार्य कुशलता है, सी और ए दोनों की कार्य कुशलता है, इस स्थिति में हम सभी को काम पे लगा देते हैं। तो सभी को आप काम पे लगा दीजिए, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, सभी मजदूर काम पे उतर गए तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे,
ए और बी मिलकर एक दिन में 5 इकाई करते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 4 इकाई करते हैं, सी और ए मिलकर 3 इकाई करते हैं। तो मिलकर अगर काम करेंगे तो 5 4 9 3 12, एक दिन में कितना होगा 12। यहां पे थोड़ा सा आपको सरल करना होगा, ए ए दो ए हैं तो ए प्लस ए दो ए, प्लस बी प्लस बी टू बी, प्लस सी प्लस सी दो सी। सब में आप देख रहे हैं दो उभयनिष्ठ हैं तो आप बाहर ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अंदर बचा। ये समूह एक दिन में 12 इकाई करता है तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे 12। यहां दो गुणे में था, पक्षांतर होकर भाग में आ गया, तो 2 6 12 6 12। इसका मतलब हमें ये भी पता चल गया कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 6 इकाई। ए बी और सी मिलकर एक दिन में करते हैं 6 इकाई। अगर आपसे ये पूछा गया होता कि ए बी और सी मिलकर पूरा काम कितने समय में खत्म कर लेंगे, पूरा काम है 60 इकाई, एक दिन में मिलकर करते हैं 6 इकाई, तो इन्हें कितना समय लगता 10 दिन। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि आप ए का केवल बताइए, ए का मैं तभी बता पाऊंगा जब मुझे बी और सी का पता चले, और मुझे ज्ञात है कि बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 4 इकाई। आप मुझे बताइए कि बी और सी मिलकर अगर एक दिन में 4 इकाई करते हैं और तीनों मिलकर 6 इकाई करते हैं, तो 6 इकाई में से 4 इकाई तो बी और सी ही कर लेते होंगे, बचा 2 इकाई, 2 इकाई कौन करता होगा जो बचे हैं, और बचा कौन है केवल ए। तो ए का पता चल गया कि एक दिन में कितना करता है 2 इकाई। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि ए एक दिन में कितना करता है 2 इकाई, तो ए अकेले द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, समय किस बात पर डिपेंड करता है कि पूरा काम कितना है और आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, मतलब एक दिन का काम कितना है। तो ए को काम कितना करना है 60 इकाई, और इसकी कार्य क्षमता क्या है 2 इकाई प्रतिदिन करता है, तो 2 3 6, इसका मतलब ए कितना टाइम समय लेगा 30 दिन, और 30 दिन ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, इसी उत्साह के साथ इसी उमंग के साथ हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। किसी संख्या के 3/4 के 2/3 24 के बराबर है तो संख्या का 1/4 होगा। इफ 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 24, फाइंड द 1/4 ऑफ दैट नंबर। ऑप्शन ए 8, 10, 12 एंड 32। इस प्रकार के प्रश्नों को भी विकल्प से कर सकते हैं, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इस प्रकार के सभी प्रश्न विकल्प से हो जाएंगे। जैसे ये वाला विकल्प से हो जाएगा, लेकिन इस वाले में दो विकल्प हम हटा पाएंगे, दो विकल्प नहीं हटा पाएंगे। इस प्रकार प्रैक्टिस करते 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 आप भी समझ सकते हैं कि किसी भी प्रश्न को ऑप्शन के तौर पे एक या दो ऑप्शन तो हटाए जा सकते हैं। हो सकता है कि 3 के 3 हट जाए, 3 के 3 हट जाएंगे तो एक ही बचेगा, वही हमारा उत्तर। जैसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी संख्या होगी, मान लीजिए कोई भी संख्या एक्स, तो उसका मैं 3/4 निकाल रहा हूँ, फिर जो भी आ रहा है उसका मैं 2/3 निकाल रहा हूँ, और ये किसके बराबर है 24 के। अब ये 4 3 यहाँ पर है, तो ये 4 यहाँ 3 को तो काट नहीं पा रहा है, यहाँ 3 इसको नहीं काट पा रहा है। इसका मतलब ये 4 और 3 निश्चित रूप से x को काट रहे होंगे, तभी इनका पूर्णांक क्या मिल रहा होगा 24, है ना। इस बात को आप समझने का प्रयास करें। और फिर जो भी यहाँ पर x संख्या मिल रही होगी वो 4 और 3 से कट के मिल रही है, इसका मतलब 12 से कट के मिल रही है, और 12 के ही गुणज में वो संख्या अगर मिलेगी तो जब उस संख्या का 1/4 निकालूंगा तो वो भी 1/4, मतलब यहाँ 4 से कट रही होगी, तभी सारे विकल्प भी हमारे पूर्णांक में है। कहने का मतलब है, कि जो भी आपका उत्तर होगा वो 4 3 4 से कटा होगा। 4 3 और 4 से कटना, मतलब 4 3 4 का अगर मैं लासा ले लूं तो कितना होगा 4 3 12, इसका मतलब वह संख्या जरूर 12 से कट रही होगी। तो संख्या का 1/4 क्या होगा, तो आप देख लीजिए कि वो संख्या 12 से कट रही होगी, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 12 से कट रहा है, 8 नहीं कर सकता है, 10 नहीं कर सकता है, 32 नहीं कर सकता है, तो केवल एक विकल्प 12 है, और यही सवाल का सही उत्तर होगा, है ना। तो आप इस तरह से सोच को अपनी बनाकर आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं।
इन सवाल को क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि जब एक या एक से अधिक भिन्न हो प्रश्न में, तो उस भिन्न के हरों का लासा हम मानते हैं। जैसे यहां पर चार और तीन का लासा क्या होगा? चार और तीन का लासा 12। तो माना माना संख्या 12x, 12। तो ये संख्या के प्रश्न अनुसार कह रहा है संख्या 12x है, संख्या के 3/4। तो संख्या का मैंने 3/4 निकाल लिया, का 3/4 का 2/3 का 2/3 बराबर है किसके? 24 के। तो बराबर है 24 के। तो आपने देखा का मतलब गुणे से ही होता है, तो का को हटा कर हम यहां पर गुणा बना सकते हैं। आपने कहा 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार में 4 कट गया, और यहां 2 से 12 6 बार में कट गया, 6 से 24 4 बार में कट गया। तो x बराबर क्या आ गया? 4। तो हमारी संख्या क्या थी? 12x। तो 12 × 4 मतलब संख्या क्या आई? 48। आपने देखा कि जो संख्या ही 48 वो 12 से कटती है, मतलब 12 के ही पहाड़े में संख्या फंसी। कह रहा संख्या का 1/4 क्या होगा? तो संख्या का 1/4 मतलब 48 का 1/4, 4 से काटा 4 × 4 4 × 2 मतलब 12। तो इसका मतलब 12 ही हमारा सही उत्तर था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी? है ना, आइए जैसे वह संख्या क्या होगी? 60%, 1% देने का मतलब है 60% क्या लिख सकते हैं? 60/100। 0 से 0 कट गया, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। कहने का मतलब है मैं 60% की जगह पे 3/5 लिख सकता हूँ। फिर से वही बात है, संख्या के 3/5 का 3/5, एक बार संख्या 5 से कटी होगी, फिर जो बच रहा होगा 5 से कटी होगी, मतलब 2 बार कटने का मतलब है संख्या 5 × 5 मतलब 25 से भी कट रही होगी। तो वह संख्या क्या है? जो 25 से कट जाए वह संख्या हो गई। 100 कटता है हो सकता है, 75 कट सकता है हो सकता है, 80 और 90 25 से नहीं कट रही है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होंगे। इसका मतलब 100 और 75 का हम ये नहीं कहते उत्तर क्या होगा, इसके लिए हमें हल करना होगा। तो 5 और 5 मतलब 25, तो हम संख्या मान लेते हैं, माना संख्या 5 और 5 दो बार आ रहे हैं, तो संख्या हो गई 25x। तो प्रश्नानुसार 25x संख्या का 60% मतलब का 3/5 का 3/5 का 3/5 बड़ा का भाग 36 है, मतलब इसका भाग 36 है। 5 × 5 25 से 25 कट गया, 3 × 3 = 9, 9 से 36 काटा 4 बार में, तो x बराबर क्या आ गया? 4। संख्या क्या हो गई? 25 × 4 बराबर 100 के। तो ये हमारा उत्तर था। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो या चीजें समझ में ना आए तो आप कॉमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा हम तेज जा रहे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार डाउनलोड करके रिपीट करके आप बार बार देखिएगा, ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक। अब जैसे ये सवाल, अब जैसे इनको भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑप्शन को हम देखते ही कर लेंगे, कुछ आपको सोचना जरूर होगा। जैसे किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा? Four walls of a room. The area of four walls of a room is 660 meter square and the length is twice of breadth. Length is twice of breadth. If the height of the room is 11 meter, then find the area of the roof. Area of the roof. Your options is 200 meter square, 150 meter square, 100 meter square and 75 meter square. आप मुझे बताओ, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। चौड़ाई अगर मैं मान लूँ, चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई क्या होगी? 2x मीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा? आप मुझे बताइए, जहाँ पे आप इस समय बैठे हुए हैं, वो छत कैसा है?
एक घनाभाकार होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। छत में आप देख रहे हैं छत कैसी होगी, हमेशा छत आयताकार होती है। तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, छत का क्षेत्रफल क्या होगा, छत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब लंबाई है 2x गुणे चौड़ाई है x, मतलब आपका उत्तर आ गया 2x गुणे x मतलब 2x स्क्वायर वर्ग मीटर, ये हमारा उत्तर है। अब x का मान निकाल दीजिए, यहां लिख दीजिए और आंसर दीजिए। मैं कहता हूं कि आप यही उत्तर है, इसका मतलब विकल्प को देखिए, जो 2 गुणे में पूर्ण वर्ग बन रहा होगा वही उत्तर होगा। जैसे 75, 75 को 2 के गुणे में लिख ही सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। 100 को लिख सकता हूं 2 गुणे 50, क्या 50 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 150 को 2 गुणे 75 लिख सकता हूं, क्या 75 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। 200 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 100 मतलब 2 गुणे 10 का वर्ग लिख सकता हूं। तो जो 10 का वर्ग बन रहा है निश्चित रूप से यही हमारा उत्तर होगा। तो इस सवाल का सही उत्तर है 200 वर्ग मीटर। अब बात आती है कैसे किया जाएगा, तो हम करते हैं। हम जानते हैं कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर दिया हुआ है। 2 लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, और ऊंचाई कितनी है 11। तो हमने 11 से इस 66 को काट दिया, 11 6 66, और 2 से हमने 6 को काट दिया, 2 3 6 6, तो यहां पे आ गया 30, और यहां 2x + x 3x, 3x से 30 को काटा 10 बार में, तो x का मान कितना आ गया 10। x का मान जब 10 आ गया तो इतना तो हमें हल करना ही था, छत का क्षेत्रफल क्या होगा 2x स्क्वायर, तो x का हम 10 रख देते हैं, 10 का वर्ग 2 गुणे 10 का वर्ग 100, 2 गुणे 100 मतलब 200 वर्ग मीटर, यही सवाल का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 14। यदि संख्या 60604 यहाँ डैश है 6, 11 से विभाज्य है, तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या है। इफ नंबर 604-6 इज डिविजिबल बाई 11 देन फाइंड द ब्लैंक, है ना, ये आपके विकल्प है 1375। तो 11 की विभाजन नियम आपको पता होना चाहिए। 11 का विभाजन नियम कहता है कि यदि संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो, 11 हो या 11 से विभाजित हो, तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। मैंने क्या कहा उसे आप चेक कर सकते हैं, 0 6 0 4 रिक्त स्थान में मान लेता हूं कि x आएगा, x और फिर 6, तो 1 2 3 4 5, चाहे इस स्थान से नंबरिंग कर दिए चाहे इस स्थान से नंबरिंग कर दीजिए, यहां पे मैं करता हूं 1 2 3 4 5। इसका मतलब यहां से आप समझ जाए कौन से सम स्थान पर अंक है, कौन से विषम स्थान पर अंक है। जैसे ये विषम स्थान पर है तो इनका योग कितना होगा, 6 4 10 6 16, और विषम स्थान पे क्या है, ये दो x और 0, x प्लस 0 मतलब x, इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, 0 या 11 या 11 से विभाजित हो 22 33, इस तरह से। तो हम घटाते हैं भाई 16 में से x घटाते हैं, और हमें ये कहा जा रहा है कि ये संख्या 11 से विभाजित है, इसका मतलब इसका अंतर या 0 आ रहा होगा या 11। आप मुझे बताइए 0 कब आएगा, जब 16 में से मैं 16 घटा दूं, लेकिन x यहां पर एक अंक है, इसका मतलब मैं x को दो अंक में 16 नहीं लिख सकता हूं, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा कि मैं क्या घटाऊं कि 11 आ जाए, तो 16 में क्या घटाया जाए कि 11 बन जाए। तो आप जानिए इस 16 में जैसे ही मैं 5 घटाऊंगा तो 16 में 5 गए 11, और ये 11 से विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब x का मान कितना है 5, तो रिक्त स्थान पे क्या आएगा 5। जो लोग इस तरह से कर सकते हैं वो अच्छी बात है, नहीं तो वो क्या करते सारे ऑप्शंस एक एक करके डालते और 11 से विभाजित करके देखते, तो उस स्थिति में भी आप 11 से विभाजित कर सकते थे।
अगला क्वेश्चन, 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। फाइंड द रिमाइंडर इफ द नंबर 121012 इज डिवाइडेड बाय 12। तो इसके लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 12 10 12 को आप 12 से भाग देंगे, 12 एक कम 12 घटाएंगे, शून्य शून्य कैरी करेंगे, एक शून्य लगाएंगे, फिर जीरो उतारेंगे तब भी भाग नहीं जा रहा है, एक और उतारेंगे, 12 नवैया 108 ज्यादा हो गया, 12 अठे 96, 101 में 96 गया, शेष आया 5, अगला अंक 2 उतार लिया, 12 चौक 48, 52 में 48 दिया, शेष फल कितना आया 4, और 4 ही सवाल का सही उत्तर था। ठीक है, सारे अच्छे सवाल हमने डिस्कस कर लिए, अब केवल आपके छोटे छोटे सवाल बचे हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बताएं। आप जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग फल क्या होता है, n माइनस 2 गुणे 180। जहां पर n उस बहुभुज की भुजा है, यहां पे कहा जा रहा है पंचभुज है, इसका मतलब n का मान क्या है यहां पर 5, तो आप रख दीजिए 5 माइनस 2 गुणे 180, 5 में 2 गए 3 गुणे 180, 18 3 54 मतलब 540। तो सही उत्तर क्या है 540। तो अब लोगों के नजर ये क्या ऑप्शंस से नहीं हो सकते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछा गया था, एक फॉर्मूला पूछा गया था, मतलब जब सवाल केवल कॉन्सेप्ट पे हो तो ऑप्शन से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन से होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम ऑप्शन डिलीट हो पाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन भी है क्वेश्चन में, तब वो ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मुझे ज्ञात है कि बहुभुज के अंदर जितने त्रिभुज बनते हैं, उस त्रिभुज के आधार पर ही उनके अंतःकोणों का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे पंचभुज के सभी अंतःकोणों का मान वो 180 के गुणे में जाएंगे, तो पहला ऑप्शन 180 से नहीं कटता है, ये नहीं होगा, यही बात नहीं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, पंचभुज में तीन भुजाओं से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब 180 से मान ज्यादा होगा, ये भी नहीं हो सकता। 360 और 540 है ना, हम जानते हैं कि 360 क्या है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल है 360, तो पंचभुज का क्या है फिर, एक ही बचा 540, तो यही हमारा उत्तर होगा। कहने का मतलब है ये दो ऑप्शंस तो डिलीट हो गए थे, लेकिन जो चतुर्भुज के बारे में नहीं जानता है वो इसे डिलीट नहीं कर पाएगा, तब भी दो ऑप्शन बचते, दो आपने सरलता से हल कर लिया था, दो ऑप्शंस के लिए आप इतना करिए और हल करिए। ठीक है, आइए, यदि a बटे में 3, b बटे में 4, c बटे में 7 हो, तो a प्लस b प्लस c बटे में c का मान क्या है, आप मुझे बताइए। जब भी इस प्रकार का कोई भी व्यंजक मिलता है, a बटे में 3 बराबर b बटे में 4 बराबर c बटे में 7, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा। इस प्रकार के व्यंजक में हमेशा a, b और c के नीचे जो संख्या है वही a अनुपाते b अनुपाते c का मान होता है, ये आप याद रखिएगा। अब मुझे बताइए कि a अगर पूर्णांक को दिखा रहा है, b पूर्णांक को दिखा रहा है, c पूर्णांक को दिखा रहा है, तो पूर्णांकों के जोड़ घटाने गुणा भाग में कभी भी करनी नहीं आएगी, इस आधार पे ये दो तो कभी उत्तर नहीं हो सकते हैं, इनको मैंने हटा दिया। अब केवल दो विकल्प बचे हैं और ये दो विकल्प हम हटा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें हल करना होगा। तो a का मान हम 3, a b और c का अनुपात ये है, तो हम मान सकते हैं, माना a बराबर 3x, b बराबर 4x और c बराबर 7x। तो a प्लस b प्लस c बटे में c का मान क्या होगा, a का मान है 3x, b का मान है 4x और c का मान है 7x, और नीचे c का मान है 7x, 7 चार 11 3 14 x नीचे 7x, x से x कट गया, 7 दूनी 14, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 2, जो कि सवाल का सही उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल इज 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस,
फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, आपके ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं। अब से इन सवालों को करने का क्या तरीका होता है, मैंने कहा था आपको भिन्न में जो भी हर में दिया हो आप वहीं से मानना शुरू करें। तो माना कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना गुना है, इसका मतलब अगर मेरे पास विक्रय मूल्य होगा तो मैं क्रय मूल्य बता दूंगा। तो विक्रय मूल्य क्या मानूंगा, जो मैं x मान रहा था उसमें 2 है तो 2x लेके मानेंगे। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 3/2 गुना। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, क्या लगेगा 3x। तो इसका मतलब क्रय मूल्य 3x है, विक्रय मूल्य 2x है। आप मुझे बताइए बड़ा कौन है, क्रय मूल्य बड़ा है, इसका मतलब ज्यादा में वो खरीद रहा है और कम पर बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होगी। और हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 3x में 2x घटाया मैंने, मेरे को मिला x रुपए। तो कह रहा है हानि प्रतिशत बताओ, आप जानते हैं हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। तो हानि कितने की, x रुपए की, और क्रय मूल्य कितना है 3x गुणे में 100। x x कट गया, 100 बटे में 3 का मतलब है 33 सही 1/3% की हानि हो गई। तो उसे हुआ 33 सही 1/3% की हानि, जो कि सवाल का सही उत्तर है। आई आपके घनों पर आधारित कि ये फलक रंगी हुई है, इस पे आधारित एक सवाल आजकल आता है, उम्मीद है कि इस साल भी शायद ये सवाल आए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, यदि इसे एक घन सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो एक घन सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। ठीक है, इन सवालों को करने के लिए पूरा एक टॉपिक है, समझाना होगा। आप अगला सवाल कर सकें इसके लिए आप एक बात याद रखिएगा कि तीन फलक रंगे घनों की संख्या, 2 फलक रंगे घनों की संख्या, 1 फलक रंगे घनों की संख्या, कोई फलक ना रंगे घनों की संख्या, ये आपको बस पता होना चाहिए। 3 फलक रंगे घनों की संख्या, ये हमेशा उस घन के किनारों पे आपको मिलेंगे, और किनारे कितना होते हैं एक घन में, 8। इसका जवाब हमेशा 8 होता है। 2 फलक रंगे घनों की संख्या, 2 फलक रंगे घनों की संख्या हमेशा 12 × (n-2) होती है। 1 फलक रंगे घनों की संख्या 6 × (n-2) का वर्ग, और कोई फलक ना रंगी हो ऐसा है (n-2) का घन। ये अब यहां पर n क्या है, तो n हमेशा जो घन काटा जा रहा है, जो घन काटा जा रहा है उसकी भुजा होती है। ठीक, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, ये हमेशा आपको n बताता है। तो n यहां पर क्या है, बड़े घन की भुजा 5 है, और छोटा एक घन सेंटीमीटर वाले घन में काटा जाता है, इसका मतलब एक घन सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो 1 बराबर क्या आ गया 5। तो n बराबर 5, याद रखिएगा हमेशा एक घन सेंटीमीटर वाले घन में ही अधिकांश काटे जाते हैं, इसीलिए इसी को हम n ले लेते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिए। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने घनों में एक ही फलक पर रंग होगा, तो एक फलक रंगे मतलब 6n-2 का वर्ग, 6 × (n) का मान है 5 − 2 का वर्ग, 6 5 में 2 गए 3 का वर्ग, तो यह आ गया 6 × 3 का वर्ग 9 × 9 = 54। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा 54। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, ये वीडियो अब काफ़ी लंबी हो रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि और जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें जल्दी जल्दी से मैं करा देता हूँ।
एक और प्रश्न बचा हुआ है, आज हम 20 पूरा करते हैं और बचे हुए 10 क्वेश्चन अगले सेशन में हम जोड़ लेंगे, जो कि केवल थ्योरेटिकल है, आपको केवल थ्योरी समझाना है या शिक्षण के रूप में आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों एक अंतिम प्रश्न पे हम जाते हैं, प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई और एफ हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है? ये आपके विकल्प हैं और आपको बताने हैं कि इन विकल्प में सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि डी, ई, एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। ये आपके चार विकल्प हैं, यू आर गिवन 4 ऑप्शन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस, है ना। यहां पे आपको ट्रायंगल दिखाया जा रहा है, त्रिभुज जिसमें डी ई एफ इस त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदु है, जैसे बीसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है, एबी का मध्य बिंदु है। तो आपको ये बताना है ये जो त्रिभुज बन रहा है डी ई एफ, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि सारे विकल्प आपके DEF का क्षेत्रफल है, DEF का क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा या आधा होगा या 1/3 होगा, 1/4 होगा। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसमें अगर आपको लास्ट में कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो आप देख सकते हैं कि DEF एक जो त्रिभुज है छोटा वाला, वो त्रिभुज ABC के अंदर बना हुआ है, तो बराबर तो होंगे नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। अब तीन बचते हैं, अब तीन को किस आधार पर हम हल कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। ठीक, तो आप एक बात याद रख लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में अगर उनकी भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है वो पूरे त्रिभुज का 1/ पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। या आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर एक त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने पर यह त्रिभुज बन रहा है, अब अंदर चार जो त्रिभुज है, इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अगर एक त्रिभुज छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक है, तो सारे जो छोटे छोटे त्रिभुज हैं सारों का एक एक क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, ऐसे एक ही हो गए, एक ही हो गए, एक ही हो गए, एक हो गए, तो पूरे त्रिभुज के अंदर ही चारों छोटे त्रिभुज हैं, तो आप देख सकते हैं पूरे एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो गया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4। और डीईएफ का कितना है, कितना है, 1। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4 होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका सही उत्तर ये है। कल से यही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि DCE, यहां पर देखिए DEC का क्षेत्रफल क्या है, तो उसका जवाब भी समान होगा, क्योंकि DEF का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल भी 1/4 होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का। इससे भी पूछ सकता है, तो ये भी AFE का क्षेत्रफल भी 1/4 होगा किसके, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर, और DBF का भी क्षेत्रफल होगा पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4। तो यहां से हमने ये जाना कि अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज बनता है, उसका क्षेत्रफल सदैव पूरे बड़े क्षेत्रफल का 1/4 होगा, और इस प्रकार अंदर बने चार छोटे क्षेत्रफल का, चार त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इस प्रकार आप प्रयास कीजिएगा, जो भी आपको डाउट्स हो या कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट्स के थ्रू बताइएगा, फिर अगली वीडियो हम उसी तरह से फिर अपलोड करेंगे जिस तरह से आप लोगों को अच्छी लगे। ठीक है, चलिए फिर ख्याल रखिएगा अपना, हम मिलते हैं बाद में इसी उत्साह उमंग के साथ। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।